हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बकले की ड्राई सब्जी। तो इसे आप रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बकले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बकले को पानी के अंदर उबालने के लिए रख देंगे। हमने इसे 5 मिनट के लिए उबाला है ढक करके। इसके बाद हम इसे पानी से निकाल देंगे। बकले की सब्जी बनाने के लिए उबले हुए हमारे पास बकले हैं। इसके बाद हमारे पास प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट है। कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। कुछ देर हरी मिर्च को हम पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर देना है। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज हमने ऐड कर दिया है। प्याज को हम कुछ देर के लिए पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर उबले हुए बकले को ऐड कर देंगे और इसे भी हमें कुछ देर के लिए पकाना है। तड़के के साथ हमने बकले को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर लेना है और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे और साथ ही हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है और हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ बकले को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और कुछ देर के लिए हम इसे पकाएंगे ढक करके। अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ हम सब्जी को कुछ देर के लिए और अच्छे से पकाएंगे। सब्जी के साथ हमने मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और कुछ देर के लिए हम ढक कर के पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है तब तक जो पानी है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाए और इसके बाद आप देखेंगे कि सब्जी जो है वो कितनी ज़्यादा देखने में टेस्टी लगेगी। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो आलू को उबाल करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ड्राई सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी जब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो आप गैस को बंद कर दें।
आप देख सकते हैं पानी जो है वो कम्प्लीटली सब्जी से ख़त्म हो चुका है। हमने गैस को बंद कर दिया है तो सब्जी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप दाल चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर भी ये ड्राई सब्जी बना करके आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। Thank you.